नमस्ते दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बैगन की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी और इसे बनाना बहुत ही सिंपल लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार सी लगती है झटपट से बन भी जाते हैं अगर घर पे मेहमान आए तो इस तरह से इसे बना के खिलाइए यकीन मानिए आप ये खा के वो बहुत ही खुश हो जाएंगे तो चलिए फिर हम इसे बना लेते हैं इस तरह से बनाएंगे ना तो आप भी उंगलियाँ चाट चाट के खाएंगे अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन घंटी को भी प्रेस करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे देख पाएं इसी बनाने के लिए हमने लिया है बैंगन तो बैंगन हमने लंबे साइज़ के लिए हैं और छोटे छोटे लिए हैं और बैंगन को धो के हमने पोछ लिया है इसकी हम कट लगा देंगे तो जो ऊपर के पार्ट होते हैं उसे हम निकाल देंगे और एक बैगन में हम चार कट लगा के इस तरह से और बैंगन को एक बार चेक कर लेंगे कि ताकि इसमें कुछ सड़े हुए तो नहीं है लेकिन बैगन हमारा साफ़ है हमने देख के ही लिया था अच्छे बैगन है इस तरह का बैगन का जब आप भरता बनाओगे तो बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं बस इस तरह से हमने काट लिए तो चलिए अब इसके लिए हम मसाला बना के तैयार करते हैं तो गैस में मैं आधा कप मूँगफली डाल रही हूँ और मूँगफली डालने से जो बैगन की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी हमारी तरफ पर इसे बैगन की कॉलॉजी बोला जाता है आप इसे भरता बोलते हैं क्या बोलते हैं हमें ज़रूर आप कमेंट करके बताइएगा लेकिन हमारे तरफ इसे बैंगन का कलोजी बोला जाता है मूँगफली को थोड़ा भून लेंगे जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए और देखिए मूँगफली हमारी भून गई है अच्छे से अब मैं इसे निकाल लेती हूँ और इसको हम छिलके के साथ ही थोड़ा सा दरदरा दरा से पीस लेंगे वापस दोबारा उसी कढ़ाई में मैं सरसों का तेल डाल देती हूँ दो चम्मच और इसमें तड़के के लिए मैं इसमें जीरा डालूंगी एक चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया है आज जीरा हमारा जैसे चटक जाएगा उसमें हम थोड़ा सा एक पिंच के करीब इसमें हींग डाल देंगे बैगन है तो इसे डाइजेस्ट करने में भी आसानी हो जाएगी और हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो हमने हींग को भी डाल दिया है और अच्छे से इसे चटका लेंगे और जीरा हमारा बिल्कुल अच्छे से चटक गए अब इसमें मैं बारीक कटे हुए दो प्याज को इसमें डालूंगी तो हमने बारीक कट कर लिया था मीडियम साइज के प्याज है और इसे हम इसमें डाल के और इसे हमें ट्रांसपेरेंट होने तक बुनना है प्याज हमारा देखिए ट्रांसपेरेंट हो गया है अब मैं इसमें आधा कप डीसीटेड कोकोनट डाल दूँगी इसे हमारी जो मसाले हैं थोड़े से बढ़ भी जाएंगे मतलब ज़्यादा हो जाएंगे क्वांटिटी में और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा साथ में मैंने डाल दिया है एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और उसे हम मिला लेंगे और इसमें मैं मीडियम साइज़ के दो टमाटर को इस तरह से काट लिया है और इसमें हम डाल देते हैं टमाटर को थोड़ा सा हम इस तरह से सॉफ्ट होने तक तो इसे भून लेंगे टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है देखिए और अब इसमें मैं बेसिक से मसाले डालूंगी तो मसालों में मैं डालूंगी एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच जीरा पाउडर आधे चम्मच हमने डाल दिया है हल्दी पाउडर आधे चम्मच तीखे वाली लाल मिर्च हमने डाला है और तीखे वाली नहीं खाते आप तो इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च डाल दीजिए क्योंकि हमने हरी मिर्च नहीं डाला इसलिए तीखे वाली डाल दी है लाल मिर्च मसालों को भूनना है तो मसालों को भूनते समय गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम आज पर ही हम मसालों को भूनेंगे तो कुछ देर बाद देखिए मसाले ऐसे हो गए हैं इस वक्त मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ और नमक के साथ भी हमें अच्छे से भुनना है जब तक मसालों से अपना तेल ना रिलीज होने लगे तब तक हम इसे भुनेंगे और देखिए मसाले बिल्कुल अच्छे से भून चुके हैं आपको दिखने से ही पता चल रहा होगा और बहुत ही चीज़ें इसमें खुशबू आने लगी है जो हमने मूँगफली को भून के रखा तो उसे हमने दरदरा पाउडर बना लिया है इन मसालों में डाल के अच्छे से हम इसे मिला लेते हैं ये कलौजी बनाना बहुत ही आसान है आप इसे झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं और रोटी चपाती चावल के साथ किसी भी के साथ खाएंगे बहुत ही मजेदार सी लगने वाली है तो मसालों को निकाल के रख देते हैं ठंडा होने के लिए दोबारा से मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ सरसों का तेल इस वक्त तेल में थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ करीबन चार चम्मच और जो हमने बैगन को इस तरह से चीरा लगा के रखा था उसे मैं इसमें डाल देंगी तो हम बैंगन का जो कड़ोजी है डंडल के साथ ही बनाते हैं तो इसे बहुत ही टेस्ट अच्छा आता है सारे बैंगन को डाल के हल्का इन्हें हमें भून लेना है ताकि थोड़ा बैगन हमारे सॉफ्ट हो जाए अब इन्हें मैं चला दूंगी इस तरह से उलट पुलट करके हल्का इन्हें सॉफ़्ट कर लेना है तो बहुत ही जल्दी से ये बन के तैयार भी हो जाते हैं देखिए थोड़ी सी बैगन जो है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है ये देखिए अब मैं बैगन को निकाल लेती हूँ किसी अलग बर्तन में क्योंकि हमें इसमें मसाले भरने हैं बैगन को निकाल के इसे हम ठंडा कर लेंगे और इधर बैगन भी हमारा ठंडा हो गया हम मसालों में हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया है और जैसे कि बैंगन हमारा ठंडा हो गया है इस तरह से हम मसाले को इसमें फिल कर देंगे और अच्छे से कवर कर देंगे ताकि ये खोले नहीं और बहुत ही अच्छे से इन्हें दबा दबा के इस तरह से इसमें मसाले को हम भर के तैयार करेंगे तो इस तरह से हमने एक बना ली दूसरी भी हम बना के आपको दिखा रहे हैं कि हम कैसे इसे बना रहे हैं तो इसके मुंह को जिसे हमने चार भाग किया था इनके दो दो पार्ट को अलग कर देंगे उसके बीच में हम मसाले को डालेंगे और इस तरह अच्छा से अच्छे से इन्हें बंद कर देंगे दबा के हाथों से और हल्के हाथों से दबाना है ताकि इसके मसाले जो है बहाना है और इस तरह से हम इन्हें तैयार कर लेंगे बैगन की कलौजी बनाने के लिए हमने कढ़ाई में डाल दिया है चार चम्मच तेल और तेल में जो हमने बैगन को भर के मसाले तैयार किए थे उसे हम कढ़ाई में डाल देते हैं और इन्हें हमें मीडियम के पर थोड़ा सा उलट पुलट के इन्हें बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है फिफ्टी परसेंट बैगन तो हमारा पका हुआ है फिफ्टी परसेंट इन्हें पकाना है बस इस तरह से चलाते हुए हल्के हाथों से और इन्हें हम सॉफ़्ट कर लेंगे तो एकदम से हमें नहीं चलाना है बिल्कुल हल्के हाथों से इसे चलाना है नहीं तो ज़्यादा ज़ोर जोर से करेंगे तो इनके सारे जो मसाले हैं निकल जाएंगे बाहर और देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं तो हमने इसे बना लिया है एक बेज को हमने निकाल लिया दूसरे बेज को हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे थोड़े से पर धनिया के पत्ते से गार्निशिंग करेंगे आई होप कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में